नंबर किन का है वहाँ? बाकी अंदर बिल्कुल बिल्कुल कैसे हैं बच्चे लोग? ठीक है। ये कौन सा क्लास है? UKG। कैसा पढ़ाई हो रहा है आप लोग का यहाँ? अच्छा हो रहा है ना? क्लास है बाबू ये? 2 और 3। हाँ अच्छा, दोनों साथ में खड़े हो जाइए। तो थोड़ा सा आप, क्या नाम हुआ आपका? स्कूल का नाम बता दीजिए। टीचिंग स्किल कैसा है यहाँ का? कैसा पढ़ाई होता है? अच्छा होता है। टीचर्स लोग कैसे हैं? बहुत अच्छे हैं। कैसे हैं? अच्छा पढ़ाई लिखाई, मतलब प्रॉब्लम का ये सॉल्यूशन वगैरह सारा कुछ होता है अच्छे से? चलिए ठीक है, बैठ जाइए। पढ़ा रहे सर यहाँ आप जी? 3 मंथ से पढ़ा रहे। इससे पहले भी पढ़ाते थे क्या? तो क्या लगता है वहाँ के बच्चे से ज़्यादा यहाँ अंतर बताइए। वहाँ के बच्चे और यहाँ के बच्चे में अंतर ये कि यहाँ के बच्चे बहुत जल्दी किसी चीज़ को कैप्चर करते हैं, बहुत जल्दी किसी चीज़ को समझते हैं। मतलब यहाँ ठीक है, 1 क्लास है। एक बार नाम बताइए तो अपना जरा। आप विनीत? व्हाट इज योर नेम? ओके, अभी क्या पढ़ाई हो रहा है आपके यहाँ? इंग्लिश। ओके, मैथ्स भी होता ही होगा? मैथ्स होता है ना? टेबल वगैरह पता है आपको? 2 का टेबल, ये 3 का, 4 का बताइए। 4 का टेबल सुनाइए, थोड़ा सा तेज बोलिए। नमस्कार सर, बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। अभी हमारे द्वारा जो है सो शिक्षा पे चर्चा का कार्यक्रम चल रहा है और इसी के क्रम में जो है सो हम आपके विद्यालय में सर आए हुए हैं। विद्यालय में घूमकर बहुत अच्छा लगा। ये लगता नहीं है कि हाल के दिनों में ये विद्यालय खुली हुई हो, लगता है कि ये बरसों बरस पहले पुरानी विद्यालय हो। और यहाँ पे लोकल्स जितने भी हैं इस स्कूल को इतना सपोर्ट कर रहे हैं, गार्जियन से भी हम लोगों ने बातचीत की, यहाँ के बच्चों को भी हमने देखा, लगा कि जो शिक्षा और संस्कार ये दोनों चीज़ लेकर के ये विद्यालय चल रही है। बच्चों को शिक्षित करना ही सिर्फ विद्यालय का उद्देश्य नहीं बल्कि उन्हें संस्कारित करना भी उनका उद्देश्य होना चाहिए और इस विद्यालय में जो है सो ये दोनों चीज़ है सर। क्या कुछ कहना चाहिएगा आपने इस विद्यालय के बारे में? कब से ये विद्यालय रन कर रही है, कितने बच्चे हैं, कितने टीचर हैं और शिक्षकों की क्या कुछ योग्यता है? अपना परिचय देते हुए सर थोड़ा सा जानकारी दें। मेरा नाम शिव पूजन सिंह है, मैं फतेहपुर ग्राम का निवासी हूँ। हम स्टेट बैंक में कार्यरत थे, 35 साल मैंने स्टेट बैंक को दिया। रिटायरमेंट के बाद अपने ही घर में प्ले स्कूल चला रहा ताकि मेरी ज़िंदगी हमारे साथ, हमारे बच्चे नहीं तो गांव के ही अगल बगल के बच्चों के साथ ही हम अपना ज़िंदगी व्यतीत करना चाहते हैं और सोचा कि इससे अच्छा माध्यम ज़िंदगी गुजारने का और कोई नहीं हो सकता। हमारे यहाँ लगभग 100 विद्यार्थी होंगे और 12 टीचर हैं, सभी वेल क्वालिफाइड हैं, टोटल ग्रेजुएट हैं, उससे नीचे के कोई नहीं। सारे लोग बच्चों का परवरिश अच्छे ढंग से कर रहे हैं। मेरा उद्देश्य बच्चों में शिक्षा के साथ साथ संस्कार और संस्कृति दोनों को बढ़ावा देना और इसी उद्देश्य को लेकर के हम चल रहे हैं। हम चाहते हैं कि हमारा संस्था इतना विकास करे ताकि हम 200-400 परिवार को रोजगार मुहैया कर सकें। मुझे स्कूल के पैसे की ज़रूरत नहीं है, सरकार से बैंक से हमको इतना पैसा मिल जाता है जिसे हम खर्च नहीं कर सकते और हम बच्चों पर ही लगा देना चाहते हैं। हमारे अपने बच्चों को हमारे पैसे की ज़रूरत नहीं है।
वो लोग सेल्फ डिपेंडेंट है, बाहर रहते हैं, अच्छे पदों पे हैं, अच्छा कमाते हैं, उनको हमारे पैसे की ज़रूरत नहीं। उन्होंने कहा कि पापा आपको जैसे अच्छा लगे वैसे खर्च, और हमको सबसे अच्छा सुलभ यही उपाय लगा और यही मैं कर रहा हूँ। शाम में भी स्कूल ख़त्म हो जाने के बाद भी शाम में लोकल बच्चे को मैं बुलाता हूँ, उनको पढ़ने की ओर प्रेरित करता हूँ, और एक घंटा उनको क्लास ले जाता फ्री ऑफ। यही मेरा उद्देश्य है, और शुरू से गाँव और लोगों में भी जागरूकता लाना चाहिए। सर, सरकार की जो नई शिक्षा नीति आई एंड न्यू एजुकेशन पॉलिसी NEP जो आई है, उसके अनुसार से आपके विद्यालय में क्या कुछ व्यवस्था की गई? आप सर, हमारे यहाँ ये सारी चीज उपलब्ध है, आप जा करके खुद भी वेरीफाई कर सकते हैं, देख सकते हैं। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल के साथ बात करने के लिए। आशा करेंगे कि बहुत ही जल्द ये विद्यालय जो है सो एक ऊंचे मुकाम तक पहुंच सके। बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं चाहूंगा आप लोगों से कि चैनल पर मेरे स्कूल का नाम आए, मेरे प्रिंसिपल का नाम आए, मेरे टीचर लोगों का नाम आए। चलिए, थैंक यू।